नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश और स्वागत है आप सभी का एएसए जम्मू व्लॉग्स की एक और नई फ्रेश वीडियो में। और आज की अपनी इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे अपग्रेडेड स्टॉक ऑफ सिंह कार बाज़ार। सिंह कार बाज़ार की जो लोकेशन है ये आपको देखने को मिल जाएगी बाईपास सैनी कॉलोनी रोड पे, और ये कुछ सैनी कॉलोनी बाईपास रोड है और यहाँ पे इनकी लोकेशन आप देख सकते हो यहाँ पे। बाकी इनका नंबर मैं नीचे स्क्रीन पे दे दूँगा, आप ऑनर को भी पूछ सकते हो एड्रेस के रिगार्डिंग। बाकी आज की वीडियो में हम जो एक्सप्लोर करेंगे वो इनका जो स्टॉक रहेगा उसमें मैक्सिमम आपको छोटे बजट की गाड़ियाँ और छोटी गाड़ियाँ जो होंगी वो ही देखने को मिलेंगी। बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट, और वीडियो की जो शुरुआत होगी वो आज होगी मारुति 800 से। मारुति 800 का ये 2007 का मॉडल है एंड अभी तक जो लाइफ है वो नवंबर 2022 तक इसकी अवेलेबल है। बाकी इसकी लाइफ जो है एक्सटेंशन पे भी हो जाएगी अगर आप इसको बाय करेंगे उसके बाद। एंड रनिंग की बात करें तो 50,000 ये गाड़ी जो है वो कंप्लीट कर चुकी है, और साइड प्रोफाइल से भी आप इस गाड़ी के लुक्स देख सकते हैं। बाकी अगर एक बार इंटीरियर्स की बात कर लें तो विंडो पैनल, ये कुछ सीट कवर्स एंड डैशबोर्ड का लेआउट भी आप देख सकते हो, और रियर सीट्स का भी लेआउट। एंड अगर बात करें रियर लुक्स की तो ये रियर लुक्स आप इस गाड़ी के देख सकते हो। डिमांड की बात करें तो लगभग 95,000 रुपये की इस गाड़ी की डिमांड है जिसमें नेगोशिएशन अवेलेबल है सिंह कार बाज़ार के एंड से। और अगली गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं, ह्यूंडई की सेंट्रो। सेंट्रो का ये 2005 का मॉडल है और लाइफ जो है इसकी एक्सटेंशन पे है, 2026 तक लाइफ एक्सटेंडेड है इस गाड़ी की। एंड फ्रंट से आप इस गाड़ी के लुक्स दे ही सकते हो, बाकी साइड प्रोफाइल भी आप देख सकते हो इस गाड़ी का। 73,000 गाड़ी जो है चल चुकी है, और डिमांड में मैं आपको बाद में बताता हूँ। बाकी इंटीरियर में चलते हैं इस गाड़ी के। सबसे पहले आप विंडो पैनल देख सकते हो ड्राइवर साइड का, और ये कुछ डैशबोर्ड के लुक्स हैं, रियर की सीट्स का लेआउट। और अगर रियर प्रोफाइल की बात करें तो ये रियर प्रोफाइल के भी लुक्स आप देख सकते हो। रियल में अपर वाइपर वाशर और डिफॉगर की फैसिलिटी, और यहाँ पे स्पॉइलर विद इंडिकेटर स्टॉप लैंप। और बात करें अगर इस गाड़ी के डिमांड की तो 1,20,000 रुपये की इस गाड़ी की डिमांड है सिंह कार बाज़ार के एंड से। बाकी इसमें भी जो नेगोशिएशन रहेगी वो आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी आपको मैं बता दूँ सभी गाड़ियों पे फाइनेंस अवेलेबल नहीं है, बाकी जिन गाड़ियों पे फाइनेंस की फैसिलिटी आपको चाहिए तो आप सिंह कार बाज़ार मिस्टर लाडी जी को कॉल कर सकते हो, उनका नंबर नीचे स्क्रीन पे चल रहा होगा। भाई बढ़ते हैं अब अगली गाड़ी की तरफ, मारुति सुजुकी की इको रहने वाली है। 2010 का ये मॉडल है, फ्रंट लुक्स आप देख सकते हो। 52,000 ये गाड़ी जो है वो चल चुकी है। एंड इंटीरियर की बात कर लें तो सबसे पहले आप विंडो पैनल देख लीजिए, और फ्रंट के डैशबोर्ड का लुक, ये कुछ को ड्राइवर सीट एंड रियर की सीट्स का लुक। बाकी ये अभी तो ये 5 सीट के साथ अवेलेबल है, ये कुछ रियर से इस गाड़ी के लुक्स हैं। बाकी बात करें इस गाड़ी के डिमांड की तो लगभग 1,90,000 रुपये की इस गाड़ी की डिमांड है सिंह कार बाज़ार के एंड से। बाकी इसमें भी नेगोशिएशन जो है वो अवेलेबल है। बाकी अब बढ़ते हैं अगली गाड़ी की तरफ जो की रहने वाली है आल्टो K10। 2014 का ये मॉडल है। अगर साइड प्रोफाइल की बात कर लें तो साइड प्रोफाइल के लुक्स भी आप इस गाड़ी के देख ही सकते हो, एंड 61,000 के करीब ये गाड़ी चल चुकी है, और फ्रंट लुक्स भी आप इस गाड़ी के देख सकते हो। बाकी इंटीरियर में चल लेते हैं एक बार। सबसे पहले विंडो पैनल, वो पॉप विंडोज़ के कंट्रोल्स मिल जाएंगे आपको फ्रंट के, और फ्रंट के डैशबोर्ड के लुक्स, ये रियर की सीट्स के लुक्स भी देख सकते हो। बाकी बात करें अगर गाड़ी के डिमांड की तो 2,90,000 रुपये की इस गाड़ी की डिमांड है विद नेगोशिएशन। और अब बढ़ते हैं अगली गाड़ी की तरफ, मारुति 800 अगेन। अभी आज की वीडियो में जितना भी आपको स्टॉक जो होगा वो आपको स्मॉल सेगमेंट का ही स्टॉक देखने को मिलेगा। बाकी मारुति का ये 2013 का मॉडल है एंड 65,000 के करीब ये गाड़ी जो है चल चुकी है। एंड साइड प्रोफाइल की बात करें तो ये साइड प्रोफाइल इस गाड़ी का देख सकते हैं आप। अगर इंटीरियर की बात करें तो विंडो पैनल, और यहाँ पे इंटीरियर में ड्राइवर साइड को ड्राइवर साइड सीट्स, फ्रंट के डैशबोर्ड का लुक और रियर की सीट्स का भी लुक आप देख सकते हो। अगर रियर प्रोफाइल की बात करें तो रियर से भी आप गाड़ी का लुक देख सकते हो। अगर बात करें इस गाड़ी की रनिंग की तो लगभग 65,000 ये गाड़ी चल चुकी है, अगेन मैं आप बता रहा हूँ। एंड डिमांड की बात करें तो 1,70,000 रुपये की इस गाड़ी की डिमांड है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अब अगली गाड़ी की तरफ जो कि रहने वाली है मारुति सुजुकी अल्टो K10। 2010 का ये मॉडल है एंड फ्रंट लुक्स की बात करें तो आपको फ्रंट में फॉग लैम्प्स मतलब VXI वेरिएंट ये रहने वाला है। बाकी साइड प्रोफाइल से आप इस गाड़ी के लुक्स देख ही सकते हो। रनिंग की बात करें तो 75,000 के करीब ये गाड़ी जो है चल चुकी है। अगर इंटीरियर की बात करें तो
ये कुछ आप इंटीरियर का लेआउट देख सकते हो। चूँकि ये VXI वेरिएंट है तो इसमें पावर विंडोज़ की, फ्रंट के पावर विंडोज़ की फैसिलिटी अवेलेबल है। एंड अगर रेयर के विंडोज़ की बात कर ले सो ये रेयर के विंडोज़ का लेआउट और रेयर की सीट्स का लेआउट आप देख सकते हो। और यहाँ से रेयर प्रोफाइल के लुक्स भी आप इस गाड़ी के देख सकते हो। VXI वेरिएंट की बैजिंग है, अल्टो K10 का और मारुति सुजुकी का लोगो। बगैर बात करें इस गाड़ी की डिमांड की तो 2,10,000 रुपये की इस गाड़ी की डिमांड है सिंह कार बाज़ार के एंड से। बाकी इसमें भी नेगोशिएशन जो होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगली गाड़ी की तरफ जो कि रहने वाली है मारुति सुजुकी की अल्टो। 2008 का ये मॉडल है, LXI वेरिएंट जो है ये रहने वाला है। उस टाइम का ये टॉप वेरिएंट था और 17,000 के करीब ये गाड़ी चल चुकी है। एंड साइड प्रोफाइल की बात करें सो ये कुछ लुक्स हैं इस गाड़ी के। एंड चलते हैं इंटीरियर में इस गाड़ी के और ये कुछ विंडो का पैनल और यहाँ पे इंटीरियर के लुक्स और लेआउट आप डैशबोर्ड का देख ही सकते हो। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है और रेयर की सीट्स के लेआउट। एंड बात करें इस गाड़ी के डिमांड की तो लगभग 1,55,000 रुपये की इस गाड़ी की डिमांड है सिंह कार बाज़ार के एंड से। सो इसमें भी आपको अच्छा खासा जो नेगोशिएशन होगा वो मिल जाएगा। और LXI वेरिएंट है, इसमें पावर स्टेयरिंग, AC, हीटर की फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अब अपनी अगली गाड़ी की तरफ जो कि रहने वाली है मारुति सुजुकी की वैगनार। यूज कार बाज़ार में ये गाड़ी काफ़ी अच्छे तरीके से बिकती है और काफ़ी बढ़िया रीसेल इस गाड़ी की रहती है। 2010 का ये मॉडल है एंड LXI वेरिएंट है। फ्रंट से आप इस गाड़ी के लुक्स देख सकते हो। और बात करें रनिंग की तो 73,000 ये गाड़ी जो है वो कंप्लीट कर चुकी है। यहाँ से आप इस गाड़ी का साइड प्रोफाइल भी देख सकते हो और रूफ रेल्स हैं एंड रियर से भी आप इस गाड़ी के लुक्स देख सकते हो LXI की बैजिंग। बाकी अगर इंटीरियर की बात करें तो सबसे पहले विंडो पैनल, फ्रंट के मैनुअल विंडो देखने को मिल जाएंगे आपको। एंड ये कुछ फ्रंट की सीट्स का लेआउट, डैशबोर्ड का लेआउट और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, रेयर की सीट्स का भी लेआउट वो देखने को मिल जाएगा इस तरह से। बाकी अगर बात करें इस गाड़ी के डिमांड की तो 2,10,000 रुपये की इस गाड़ी की डिमांड है विद नेगोशिएशन। और बढ़ते हैं अगली गाड़ी की तरफ, अगेन मारुति सुजुकी वैगनर, बट ये चेरी रेड कलर में अवेलेबल है। 2009 का ये मॉडल है एंड VXI वेरिएंट है, जाने टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है ये। फ्रंट में फॉग लैंप्स की फैसिलिटी अवेलेबल है और ये कुछ साइड प्रोफाइल भी आप इस गाड़ी का देख सकते हो। इंटीरियर की बात कर ले तो ये कुछ इंटीरियर के लुक्स आप देख सकते हो। फ्रंट के दो पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स हैं एंड फ्रंट की सीट्स का लेआउट, डैशबोर्ड के लुक्स देख सकते हो और ये कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। बाकी ये कुछ रेयर की सीट्स और चारों के चारों यहाँ एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, ये काफ़ी बढ़िया बात लगी मेरे को। ये कुछ रेयर का लुक भी आप इस गाड़ी का दे सकते हो और VXI की बेजिंग है। बाकी बात करें इस गाड़ी की डिमांड की तो लगभग 1,90,000 रुपये की डिमांड है सिंह कार बाज़ार के एंड से विद नेगोशिएशन प्राइस। और नीचे आपको सिंह कार बाज़ार के ऑनर का नंबर जो होगा शो हो रहा होगा, आप डायरेक्टली उनको कॉल कर सकते हो किसी भी गाड़ी की गाड़ी के। तो इस वीडियो की जो लास्ट गाड़ी रहने वाली है वो है मारुति सुजुकी की स्विफ्ट VDI वेरिएंट है और 2016 का ये मॉडल है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड प्रोफाइल में आप इस गाड़ी के लुक्स देख सकते हो। आफ्टर मार्केट यहाँ अलॉय व्हील्स का यूज़ किया गया है और क्रोम का काफ़ी अच्छा खासा यूज़ आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाएगा। एंड जो इसका रूफ है वो ब्लैक कलर में पेंटेड है, काफ़ी स्पोर्टी लुक दे रही है ये गाड़ी। एंड फ्रंट से आप इस गाड़ी के लुक्स भी देख सकते हो। बाकी बात करें अगर इस गाड़ी की रनिंग की तो 90,000 ये गाड़ी चल चुकी है। एंड इंटीरियर्स मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा बिकॉज इसकी की अभी अवेलेबल नहीं है। एंड डिमांड की बात करें तो 5,15,000 रुपये की इस गाड़ी की डिमांड है और इसमें भी आपको नेगोशिएशन जो होगा वो अवेलेबल रहेगा। बाकी मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपको फाइनेंस की फैसिलिटी जो है वो भी अवेलेबल रहेगी। अगर कोई भी गाड़ी की क्वेरी है किसी भी गाड़ी की रिगार्डिंग तो आप लाडी जी को कॉल कर सकते हो। एंड आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं आपसे इसी तरह से किसी न्यू लोकेशन पे किसी न्यू गाड़ियों के साथ। टिल देन कीप सपोर्टिंग।